नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर के नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए दूर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में रोज़ किचकिच हो रहा है, रोज़ झगड़े हो रहा है, आपके घर में बिन बात के लड़ाई हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आपके घर में ऐसा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा समझ में आए तो एक काम ज़रूर करिएगा, गाय के गोबर के जो कंडे हैं होते हैं उसको आप रोज़ जलाएं, लौंग और कपूर जलाएं, गाय के गोबर के कंडे के साथ में लौंग और कपूर को जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए नाश हो जाता है। भगवान शंकर को कपूर बहुत ज़्यादा प्रिय है, भगवान शंकर को कर्पूर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस धुआं से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर हो ही जाएगा, उस धुआं से किसी भी प्रकार के बीमारियां घर में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए ये काम अवश्य करिएगा। और गूगल जलाने से, कपूर और गूगल गोबर के कंडे के साथ में जलाने से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाता है, ये भी आप अवश्य करिएगा। जिस घर में इस प्रकार से गाय के गोबर के कंडे को जलाया जाता, हवन किया जाता, उस घर में सकारात्मक एनर्जी आता है, नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए दूर हो जाता है। सुबह शाम हवन करिएगा। आपको लग रहा होगा ये तंत्र है, ये तंत्र नहीं, ये महामंत्र है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस उपाय को किया, इस कार्य को किया, वैदिक मंत्र के साथ किया। अगर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हमारे घर में सदैव शांति की वातावरण हो, सदैव प्रेम का वातावरण हो, तो ये काम अवश्य करिएगा। सकारात्मक एनर्जी आएगी, घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। रोज़ हवन करिएगा, रोज़ चींटियों के लिए कुछ न कुछ अवश्य डाल दीजिएगा, शक्कर डाल सकते हैं। रोज़ आपके छत पर आप चावल के दाने डालें ताकि छोटे छोटे चिड़ैया आकर के उस दाने को खा सकें। ऐसे काम करने से आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। ऐसे घरों में लक्ष्मी वास करती है। प्यार से बोल दीजिए, राधे राधे। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर के नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए दूर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर आप